गाइस ये है ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस टू ब्लूटूथ स्पीकर। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हो, ऑनलाइन आप ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, तो इस वीडियो को ना गाइस लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्पीकर ना गाइस इतने तगड़े फीचर्स के साथ आता है, इतने तगड़े साउंड क्वालिटी के साथ आता है, जिसको आप सुनोगे ना यार आपको मजा आ जाने वाला है। आज के इस वीडियो में इसे डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है निमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पर मैं आपके लिए अमेजिंग गैजेट्स की वीडियोस लाते रहता हूं। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बॉक्स ओवरव्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस टू का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, ये रहा ट्रिबिट का लोगो। नीचे आपको इसके तीन मेन हाइलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 24 आवर्स का प्ले टाइम आपको मिलने वाला है मॉडरेट वॉल्यूम पे। इसके अंदर आपको 15 वाट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि टोटल आउटपुट की बात करें तो 30 वाट्स का आपको आउटपुट मिल जाता है, तो काफी लाउड होने वाला है। IPX7 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है, तो अगर इसको आप सुन रहे हो बाहर पे या घर पे भी, पानी गिर जाता है, बारिश पे भीग जाता है, आपका ये स्पीकर खराब नहीं होगा। इस तरीके का हमारा ये स्पीकर होने वाला है। तो बॉक्स के दोनों साइड पे आपको यहाँ पे ट्रिबिट का लोगो देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के पीछे आप आओगे तो गाइस बॉक्स के पीछे आपको मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर डिटेल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि इस स्पीकर का गाइस एक डेडिकेटेड ऐप आता है और उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो वीडियो पे आगे बताऊंगा, लाइक कस्टम EQ भी आप सेट कर सकते हो। इसके बॉटम पे देख सकते हो यहाँ प्राइस मेंशन किया गया है गाइस, और प्राइस इतना नहीं पड़ने वाला है। जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर लेना, वीडियो के एंड में बता दूंगा। और टॉप पे आप देखोगे तो टॉप पे इसके कुछ आपको मेन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, तो काफी सीमलेसली कनेक्ट हो जाने वाला है। हैंड्स फ्री कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है, तो कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो। ठीक कस्टम साउंड EQ मोड आपको मिल जाएगा, और स्टीरियो पेयरिंग का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके पास सिमिलर कोई स्पीकर है, आपके किसी दोस्त का है, आप ही के पास दो पेस है ना, तो दोनों का पेयर कर सकते हो TWS की तरह। तो ये तो था गाइस इसका बॉक्स ओवरव्यू। चलो इसके नीचे आपको एक सील देखने को मिलता है, इस सील को यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो इसमें काम आने वाला है गाइस मेरा ये अनबॉक्सिंग नाइफ, और इससे यहाँ पे इसकी सील को कट कर देंगे गाइस। तो सील कट कर दिया है, अब ये फ्लैप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से ओपन करोगे तो ये रहा आपको ट्रिबिट का यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगा। फिर इस फ्लैप को भी आपको ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसके मेन बॉक्स कंटेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये रहा गाइस सबसे पहला बॉक्स, आप देख सकते हो चार्जिंग केबल काफी स्लीक सा बॉक्स में आया हुआ येलो कलर का। तो यहाँ पे गाइस इसके अंदर से आपको मिल जाता है USB A2 Type-C केबल, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। कोई भी अपने मोबाइल फोन के चार्जर पे आप इसको लगा लेना, या फिर पावर बैंक पे, डेस्कटॉप पे, और उसके बाद आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे ये ट्रे के अंदर है और ये बॉक्स पूरा खाली हो जाता है। नेक्स्ट गाइस इसके अंदर हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छे तरीके से आपको इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। मैं वीडियो पे आपको हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये रहा गाइस मेन हमारा स्पीकर, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पैक किया हुआ है, और इसको यहाँ पे निकाल लेंगे गाइस। और ये रहा हमारा तगड़ा ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस टू ब्लूटूथ स्पीकर। काफी ज्यादा एक वेट फील हो रहा है इसको पकड़ने में, क्योंकि इसका वेट ना 509 ग्राम के राउंड है, और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत है। तो चलो बात है इसके फिजिकल ओवरव्यू पे। अगर आप यहाँ फ्रंट पे देखोगे तो आपको ट्रिबिट का लोगो साफ साफ देखने को मिलेगा, और ये जो आपको मैश देखने को मिलता है ये फुल मेटेलिक बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे साफ साफ देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे दो आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको बेस रेडिएटर भी दो मिल जाते हैं, एक आपको फ्रंट पे मिलता है और एक आपको बैक साइड की ओर मिलता है। साइड्स की बात करें तो साइड्स पे कोई भी आपको बटन्स नहीं मिलते हैं, दोनों साइड्स बिल्कुल क्लीन मिलेंगे आपको। राइट साइड पे गाइस आपको ये लैनियर्ड की तरह दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस स्ट्रिंग पे ना गाइस पकड़ के आप इसको टांग सकते हो, हाथ घुसा के इसको पकड़ सकते हो, या फिर कहीं पे आप इसको लटका सकते हो। स्पीकर के बॉटम पे आओगे तो यहाँ पे आपको 4 फुट्स की तरह देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से रेस्ट किए हुए। उससे क्या होगा, ये ग्राउंड पे सटेगा नहीं, थोड़ा सा एलिवेटेड रहने वाला है। और नीचे आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाते हैं, लाइक पावर इनपुट एंड बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। स्पीकर के टॉप पे गाइस आपको सारे बटन कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाएगा, फिर आपको ब्लूटूथ स्विच मिल जाता है ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए, आपको ये माइनस स्विच से वॉल्यूम कम कर सकते हो, सर्कल बटन से आप प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल्स उठा सकते हो, कट कर सकते हो, प्लस बटन से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, फिर आपके यहाँ पे EQ स्विच मिलता है जिससे आप इसके इक्वलाइजर मोड्स पे स्विच कर सकते हो, और लास्टली जो आपके यहाँ पे एक पेयरिंग स्विच मिलता है जिससे आप सिमिलर अगर आपके पास ऐसे स्पीकर और है या फिर किसी दोस्त का है, अगर आप लोग साथ में मिलते हो ना, तो दोनों को पेयर कर सकते हो और आपको स्टीरियो इफेक्ट मिलेगा। एंड इनके ऊपर गाइस आपको LED इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आप प्ले पॉज बटन के ऊपर होल देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है जिससे आप कॉलिंग कर सकते हो, जो आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा। स्पीकर के बैक साइड पे आएंगे गाइस, तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको सबसे पहले तो IO पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर एक रबर फ्लैप है जिसके अंदर आपको ऑक्स और DC 5 वोल्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा साफ साफ। इसको जैसे आप खोलोगे ना, सबसे पहले आपके यहाँ पे ऑक्स केबल मिलता है, तो अगर आप इस स्पीकर को अपने
टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो ऑक्स केबल के साथ, या फिर आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर ऑक्स केबल से फोन से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप आराम से इसको ऑक्स केबल लगा के भी कनेक्ट कर सकते हो, बिना ब्लूटूथ के भी प्ले कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे चार्ज कर पाओगे। उसके बगल में गाइज यहाँ पे आपको ना दूसरे साइड में एक साउंड प्लस टू का ब्रांडिंग मिलेगा। और ये जो आपको पार्ट मिलता है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये जो आपको ग्रिल देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमारा सेकेंड बेस रेडिएटर है। तो चलो फटाफट से बताता हूँ कि कैसे हमें इसे अपने फोन के साथ कनेक्ट करना है और कुछ साउंड आउटपुट का भी मजा ले लेते हैं। सो गाइस ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस टू स्पीकर ना हमारे फोन के साथ काफी इजिली कनेक्ट हो जाता है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे चले आना, और अगर iOS यूजर हो तो एप्पल स्टोर पे चले जाना। सिर्फ ट्रिबिट लिखना है आपको। देखो येलो कलर का आपको इसका लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 68 MB का फाइल है, तो इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस पे। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है गाइस, ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। एक हमें यूजर एग्रीमेंट आएगा, इसको आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा। जो जो परमिशन मांगेगा ना आप अलाउ कर देना, नोटिफिकेशन सेटिंग यस कर दो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा परमिशंस वाला पेज। इस पे ब्लॉक्ड है, इसको आप अलाउ कर देना अगर आप सैमसंग यूजर हो तो। अलग अलग फोन पे अलग अलग तरीके से आता है। कनेक्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। अब ना यहाँ पे देखो ये सर्च कर रहा है, आसपास के जितने डिवाइसेज है वो सर्च करेगा। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक एली अंडरस्कोर ट्रिबिट, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस टू को सिलेक्ट करना है। दूसरे वाले को क्लिक करके आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आएगा, पेयर कर दो। और हमारा यहाँ पे क्लिक हो चुका है, साउंड आ चुका है और कनेक्ट हो चुका है। 70% बैटरी अभी हमारे स्पीकर पे है, और यहाँ से आप प्ले पॉज आगे पीछे भी कर सकते हो सॉन्ग्स को। इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर आपको ना बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, लाइक एक्स बेस ऑफ है अभी ऑन कर सकते हो, ऑडियो बुक का ऑप्शन है, मैक्स साउंड, रॉक, जैज, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं इक्वलाइजर्स के। और कस्टमाइज्ड पे जा करके ना आप खुद का यहाँ पे कस्टम इक्यू जनरेट कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे जनरेट करता हूँ एक्स वाई जेड कन्फर्म, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कस्टम इनपुट्स डाल करके अपना कस्टम इक्यू जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको जो इक्यू बटन मिलता है ना गाइस, अगर एक बार आप प्रेस करोगे तो हमारा एक्स बेस ऑफ हो जाता है जब इस पर कुछ भी लाइट नहीं जलता है। फिर प्रेस करोगे तो अभी हमारा एक्स बेस मोड ऑन हो चुका है, यानी कि बेस आपको और भी अच्छा मिलने वाला है, और ज़्यादा एकदम थम्पिंग बेस मिलता है। दोबारा प्रेस करोगे तो ये ऑडियो बुक ऑप्शन में आ जाता है ब्लू कलर का इंडिकेशन, और फिर प्रेस करोगे तो हमारा एक्सबेस को ये बंद कर देता है। तो इसके अंदर आपको तीन मोड्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा मोड्स के लिए आप एप्लीकेशन पर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा अभी ये रॉक मोड पे सिलेक्ट है, अभी ये जैज मोड पे हो गया। तो यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल मिलेगा, और स्पीकर पे आपको तीन कंट्रोल्स मिलेगा। फिर एक्स्ट्रा सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाते हैं गाइज, जैसे यहाँ पे ना फर्मवेयर वर्जन देखने को मिल रहा है। फिर गाइज यहाँ पे आपको ऑटो शटडाउन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप ऑन कर दोगे तो ऑटो शटडाउन के अंदर देखो ये सारी चीजें होने वाली है। जब आप कनेक्ट करके नहीं रखोगे, कनेक्शन नहीं है, तो ये 5 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, और जब बैटरी भी लो रहेगा ना तब हमारा ये बंद हो जाने वाला ऑटोमेटिकली। फिर इसके अंदर इक्यू बटन मिल जाता है गाइज, इक्यू बटन के अंदर आप देख सकते हो लाइट ऑफ से क्या होगा, व्हाइट लाइट से क्या होता है, और ब्लू लाइट से क्या होता है, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूंगा ब्लू लाइट से हमारा रॉक मोड पे चला जाए तो अप्लाई कर दूंगा, तो अब क्या होगा ना जब यहाँ पे ब्लू लाइट ग्लो करेगा ना तो ये हमारा रॉक मोड पे आ जाएगा। चलो एक मैं यहाँ पे आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ना नॉइस कैंसिलेशन हटा दिया है, रूम पे एसी भी चल रहा है तो मुझे नहीं पता कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस पे पकड़ूंगा, और आप यहाँ पे जो भी साउंड आउटपुट मिलेगा आप सुनना।
काफी तगड़ा आउटपुट मुझे तो लगा यार, सामने से सुन रहा हूँ लग रहा है ना कोई बड़े स्पीकर पे साउंड प्ले हो रहा है, कोई किसी होम थिएटर पे प्ले हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर इतना ज्यादा पावरफुल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। काफी क्लियर है और बेस की तो बात ही मत करो। अब इसके इक्यू मोड्स मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किए हैं, उसके लिए आप इक्यू बटन्स को यहाँ पे स्विच कर सकते हो। चलो एक सॉन्ग यहाँ पे प्ले करते हैं विद इक्यू मोड्स, यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो देखा गाइस कितना तगड़ा आउटपुट आपको Xsound Plus 2 के अंदर मिलने वाला है। कंपनी क्लेम कर रहा है 24 आवर्स का बैटरी बैकअप मॉडरेट वॉल्यूम पे, अगर फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कम मिलेगा, स्टिल 24 आवर्स यार बहुत ज्यादा होता है। एक बार का चार्ज ना आपको आराम से 2-3 दिन निकाल देने वाला है, क्योंकि आप 24 घंटे तो गाने नहीं सुनते हो। तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है, IPX7 का रेटिंग मिलता है, मैंने आपको भिगा के दिखाया और ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, खराब नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला गाइस, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस स्पीकर से इतना लाउड आउटपुट आ रहा था। एंड प्राइसिंग पे आते गाइस, तो इसका प्राइस अभी अमेज़न पे 5,699 रुपए यानी कि 5,700 रुपए के अराउंड, और 1,000 रुपए का आपको नीचे कूपन देखने को मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4,699 रुपीज का मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, अगर आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है तो इसको जरूर आप परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, और जाते हुए चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग गैजेट्स की वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।